मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम परिवार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की घोषणा की है, जिससे कि देश प्रदेश के मुस्लिम समाज में ये संदेश जाए कि मुसलमान अयोध्या और भगवा से प्रेम करता है। दरअसल नगर के खालापार निवासी डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी ने शुक्रवार को ये घोषणा की है कि वे अपनी लगभग 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि इस संपत्ति को बेचकर इसका पैसा राम मंदिर निर्माण में लगाया जा सके और मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जाए कि मुस्लिम भी अयोध्या और भगवा से प्रेम करता है। प्रॉपर्टी जो है हमारी, जो अपनी निजी संपत्तियां हैं, हमने ये कदम उठाया है कि अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें हम भी सहयोग करें और वो हम अपनी प्रॉपर्टी योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे महाराज हैं, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सदर सूबे के आला हैं, तो उन्हें हम सौंपना चाहते हैं, वो उसे क्रय करके और इसी संपत्ति का जो पैसा है ये अयोध्या में श्री राम मंदिर में लगाएं और एक संदेश जाए पूरे देश के मुसलमानों को, पूरे प्रदेश के मुसलमानों को, कि मुसलमान जो है अयोध्या से और भगवे से प्रेम करता है, नफरत नहीं करता है। और ये भी अलग है हमारे जगाने का कि मुस्लिम समाज 2024 में भारी तादाद में योगी जी के साथ आए, कि योगी जी जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ माफियाओं के खिलाफ हैं, गुंडों के खिलाफ हैं। क्या लगता है क्या उद्देश्य रहेगा इसका, कितनी आपकी प्रॉपर्टी होगी जिसका आप दान करने जा रहे हैं? ये 90 लाख रुपए करीब की प्रॉपर्टी है जो हम अयोध्या के नाम दान करेंगे और योगी जी को देंगे। कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टी है? हमारे कृष्णापुरी में है और गाँवों में है और यहाँ योगिंदरपुरी में है, वे सब हम अपने योगी जी को देंगे। आपको बता दें कि ये समर गजनी वही शख्स है जो भगवा कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा कर चर्चा में आया था। बहरहाल मोहम्मद समर गजनी बीजेपी अल्पसंख्यक समाज मोर्चे के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रेम और योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर अपनी संपत्ति को राम मंदिर के लिए दान करने की घोषणा की है। योगी मोदी जी के लिए क्या कहें? योगी मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह देश की तरक्की करते रहें और इसी तरह माफियाओं के खिलाफ कार्य करते रहें। पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज आपके साथ है और हम भी अलख जगाने का काम कर रहे हैं। 15 मई से हम घर घर जाके ये संदेश देंगे लोगों को अपने मुस्लिम समाज में कि योगी जी के साथ आएँ और योगी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ। योगी जी मुस्लिम समाज के साथ हैं, पूर्ण रूप से साथ हैं, खिलाफ नहीं है मुसलमानों के।